ऑलराइट गाइस, तो मैं अभी देख रहा था आर्टिकल 370 जो मेरे पीछे चल रही है। काफ़ी गजब की पिक्चर है ये। और अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं, आप समझना चाहते हैं कि कैसे क्या चीज़ें होती है, कैसे हमारा पार्लियामेंट काम करता है और कैसे जो सिस्टम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर वर्क कर रहा है इतने सालों से, उसका बेस कैसे वर्क करता है, तो आपको इस मूवी को ज़रूर देखना चाहिए। अगर 10 दफा भी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाए ना, तो भी 370 को हटा नहीं सकते। अगर हमें दे, वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो 370 को नहीं छू सकते। आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब आप पीओके और अक्षय चिन्ह को भारत देश का हिस्सा नहीं मानते? क्या बात कर रहे हैं आप? पूरा का पूरा कश्मीर भारत देश का हिस्सा था, है और रहेगा। क्या बात कर रहे हैं? जान दे देगा उसके लिए। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात?